ये चाहती थी कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं और मैं भी ये अल्लाह ताला मुझे भी शहादत का ये जज्बा अता करे। रजिस्ट्री की बुक कहाँ है? नहीं कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी आप फिर अपने वाले साहब को जरा कॉल कर दें कि वो आ जाए और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, अदरवाइज 2000 का फाइन करके मैं आपकी मोटरसाइकिल जो है पुलिस स्टेशन में बंद कर दूंगी। पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे है। मेरे साथ आज सलमा गनी मौजूद हैं जो कि यूएन मिशन पे जाने वाली पाकिस्तान की पहली बाहिम्मत खातून हैं। लाहौर के इलाके माल रोड पर सुबह 6:30 बजे से लेकर 3 बजे तक ये ऑन ड्यूटी रहती हैं, लोगों के चलान करती हैं, वन वे आने वाले और ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती हैं और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमा, आप ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जाने वाली पहली खातून हैं, मुझे ये बताएं जब आपको पता लगा कि मैं यूएन मिशन पे जा रही हूँ तो आपके क्या तासुरात थे? डेफिनेटली ये तो बहुत ही प्राउड की बात थी और बहुत खुशी की बात थी और मैंने बहुत प्राउड फील किया, बहुत खुश हुई और ये मेरे लिए बड़ी अमेजिंग सी चीज़ थी क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सी खवातीन थी जिन्होंने ये पेपर पास किया। तो लेकिन ट्रैफिक की तरफ से मैं एक ही खातून थी और जाने वालों में मेरा नाम सिलेक्ट हुआ तो अल्लाह ताला का फजल था, करम था और मैं बहुत खुश हुई। मेरे पेरेंट्स भी, फैमिली, स्टाफ, सारे ऑफिसर्स सब बहुत। स्ट्रगल की थी आपने इस चीज़ को अचीव करने के लिए? स्ट्रगल तो डेफिनेटली जब भी आपने कोई गोल अचीव करना होता है उसके लिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। वो आप जो है ना, ये अल्लाह का फजल है कि जब अल्लाह ताला देखता है कि इस इंसान की जो है ना वो इतनी जो है ना स्ट्रगल हो चुकी है, मैं इसको ये दे दूँ ये चीज़, तो वो अल्लाह ताला दे देता है। तो ये अल्लाह का करम ही था मेरे पे, खासुल खास करम के जो है ना मेरा नाम जो जाने वालों में सिलेक्ट हुआ और मैं गई भी। हमें ये बताएं कि वहाँ पे आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि आप पाकिस्तान से दूर थी, वहाँ पे आपको लैंग्वेज इशू, खाने पीने का इशू, लोगों से मिलने का इशू, काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने को मिले होंगे, तो सबसे बड़ा इशू क्या था जो आपने वहाँ जाके फ़ेस किया? मेरा ये माशाल्लाह से जो गवर्नमेंट की तरफ से ये थर्ड ट्रिप था, मैं इससे पहले भी 2 टाइम्स जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भी 2 टाइम जा चुकी हूँ। तो उसमें यह है कि मुझे ये बड़ा अच्छा जो है मेरे लिए था कि मेरा ऑलरेडी विजन ब्रॉड था और लेकिन इसके बावजूद ये जो पीस कीपिंग मिशन था इसमें बहुत सी दुनिया के लोग शामिल थे और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ख़ास तौर पे जिसमें हमें लैंग्वेज की बैरियर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा क्योंकि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश की वो थोड़ी एशिया की और अफ्रीकन कंट्रीज़ की डिफरेंट है, उसकी वजह से वो लैंग्वेज को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुआ। खाने पीने का तो इतना प्रॉब्लम नहीं था इसलिए कि वो भी एक इस्लामिक कंट्री थी और हम लोग भी मुसलमान थे और खाने पीने का तकरीबन सेम ही था, लेकिन लैंग्वेज का जो था उसके बाद लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग का, अटैचमेंट का, उनकी मैंटेलिटी को समझना, उनके साथ वर्किंग करना, सर्वाइव करना, हो सकता है एक वक्त में आप काम कर रहे हैं तो वही काम वो किसी और तरीके से करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको किसी और तरीके से कर देते हैं तो वो भी एक जो है ना वो इशू क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से वो हमें वो भी फेस करना पड़ा लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्दी उसको कवर कर लिया। अच्छा हमें ये बताएँ कि बाज़ुकात औरतें जो हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट या टीचर बनने का शौक़ रखती हैं, तो आपकी क्या सोच थी कि मैं ट्रैफिक वार्डन बनूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह से बन भी गईं, तो ये बताएं कि ये सारा जितना भी प्रोसीजर था किससे इंस्पायर्ड होके आपने सोचा था कि मैं ट्रैफिक वार्डन में ही जाऊंगी? ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा था कि मैं ट्रैफिक वार्डन ही बनूँगी, मैं बस मुझे एक चार्म था यूनिफॉर्म का और मेरे तायाबू जो है वो शहीद है 1971 के वॉर में, वो मेजर थे पाकिस्तान आर्मी में, तो बस उनकी ही इंस्पायरेशन थी मेरे अंदर बचपन से ही कि मैं ये चाहती थी कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं और मैं भी ये अल्लाह ताला मुझे भी शहादत का ये जज्बा अता करे और मैं भी जो है वो शहीद हूँ, चूँकि जब मेरे आती है जब भी उनकी जो है ना वो शहीद डेट आती है उनकी इस दुनिया से पर्दा करने की तो तब हमारे घर जो आर्मी की तरफ से आता है गुलदस्ता और ये वो सारा उनकी की जाती है बरसी पर, तो मेरे लिए वो बड़ा एक इंस्पायरेशन थी, तो इस वजह से मेरे अंदर ये बचपन से शौक़ था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं।
ट्रैफिक वार्डन बड़े सख्त मिजाज होते हैं, जब भी किसी का चलान करते हैं या कुछ भी तो वो उनके चेहरे पे वो रोब दबदबा होता है जो नज़र आता है, जिससे लोग डरते हैं एक्चुअल में। तो आप एक लेडी होकर ये किरदार अदा करती हैं, तो आपकी नेचर ही ऐसी है या अब आपको ये रूप ढालना पड़ा अपने अंदर? नहीं, मेरी नेचर ही ऐसे, मैं शुरू से सख्त मिजाज हूँ। लग नहीं रहा मुझे आपकी स्माइल से। अच्छा, हमें ये बताएं कि घर वालों की तरफ से कोई रुकावट आई, कि लोग सोचते हैं आजकल के मुआशरे में कि लड़की हो के आप सड़क पे खड़ी होंगे और लोगों को रोकेंगे, ट्रैफिक को रोकेंगे, तो इस चीज़ ये चीज़ कभी आपके रास्ते में रुकावट बनी? डेफिनेटली, ये आपको पता ही है कि फ़ीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। तो अगर आप एक रेस लगाएं मेल की और फीमेल की, तो आप देखेंगे कामयाबी की जो रेस होती है, मेल बहुत जल्दी जो है अचीव कर लेता है, लेकिन फ़ीमेल स्लोली स्लोली अचीव करती है, क्योंकि उसके रास्ते में जो हर्डल्स आती हैं ना, सबसे पहले फैमिली हर्डल, उसके बाद ये मुआशरा, उसके बाद फिर शादी, खामन, ससुराल, फिर बच्चे, फिर उसके बाद जो उसके ऊपर घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तमाम हर्डल्स उसके रास्ते में आते हैं और वो इनको पार करते हुए कुछ अचीव करती है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपने जब ये सब कुछ अचीव कर लिया, तो उस टाइम में आप मैरिड थी या नहीं? मैरिड ही थी। मैरिड थी, और आपके शौहर और ससुराल ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये क्या करने जा रही हो तुम, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, जब मैं अपॉइंट हुई तब तो मैं अनमैरिड थी, लेकिन उसके बाद फिर शादी हुई, और जब मेरा ये अब्रॉड जाने के लिए मेरा नाम आया और सेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मिशन में मेरा नाम आया, तो उसमें सब खुश थे, बहुत खुश थे कि हाँ जी, सब ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ और मेरी अचीवमेंट पे सब ने जो है ना बहुत मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा। सलमा, हमें ये बताएं कि मज़ीद आगे आप क्या करना चाहती हैं पाकिस्तान के लिए? ये जो आपने परचम लगाया हुआ है पाकिस्तान का और अपने साथ पुलिस का टैग लगाया हुआ है, आगे अपना फ्यूचर क्या देखती हैं आप? मैं आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मज़ीद पाकिस्तान के लिए खिदमत करेंगे, पाकिस्तान के लिए हर वो काम करने को तैयार रहूँगी जिससे पाकिस्तान का झंडा जो है वो मज़ीद सरबुलंद हो। सो मच सलमा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जैसी वुमेंस होती हैं जो दूसरे लोगों के लिए रोल ऑफ इंस्पिरेशन अदा करती हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू। लोगों को पकड़ने के लिए जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आइए देखते हैं कि कितने लोग हमें मिलते हैं जो वन वे क्रॉस करते हैं। ये ले जी, पहला बंदा तो मिल गया हमें, ये ले ये बच्चा जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, आइए देखते हैं इसके साथ क्या होता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तो वन वे क्यों आ रहे हैं? रास्ता भूल गए हैं। ये तो आपको नजर आ ही रहा है ना कि ट्रैफिक जा रही है, तो आप आ रहे हैं। सिग्नल बंद था, बंद था। यहाँ से आ गए? हाँ, यहाँ से आ गए। अब चलान होगा? हाँ होगा। ऊंचा बोले? होगा होगा। तो जब पता है कि चलान होगा तो यहाँ से क्यों आ रहे हैं? आपको ट्रैफिक वार्डन नजर नहीं आ रहे? सब हो जाता, आगे कहीं और निकल जाता। क्या कहेंगे इनके साथ? इनको इंशाल्लाह हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जब वो 2000 का फाइन करेंगे, अभी हम इसका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और कालबन वो भी माइनर होने की वजह से इनके पास वो भी नहीं होंगे। चले जरा डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किसकी बाइक है? पापा की। पापा की बाइक लेके निकल आए हो? हाँ जी। जब आपको कानून का नहीं पता तो रोड पे क्या करने आए हो? कानून का पता है लेकिन रास्ता भूल जाता, फिर मैं किधर चल जाता? 2000 का चलान है ये, भी आप आपकी गाड़ी बंद कर देंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो आप आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी आपके पास है नहीं है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक कहाँ है आपकी? रजिस्ट्री की बुक कहाँ है? नहीं, कुछ भी नहीं है अभी। तो अभी आप फिर अपने वाले साहब को ज़रा कॉल कर दें कि वो आ जाए और डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, अदरवाइज 2000 का फाइन करके मैं आपकी मोटरसाइकिल जो है पुलिस स्टेशन में बंद कर दूँगी। मैं आपकी बात करवा देता हूँ। बात करवा देते हैं? ये क्या बात हुई कि बात करवा देते हैं? नहीं, वो अपने वाले साहब से बात कराएंगे ना, उनको बताएंगे कि आपके बेटे की मोटरसाइकिल जो है वो बंद कर दी है हमने पुलिस स्टेशन, तो आके आप फाइन जमा कराएं और बाइक ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। फिर आपकी बाइक बंद होने लगी है? ठीक है, बाइक अब बंद होनी है, मैंने वायलेशन भी तो किया। जब पता है वायलेशन करने की सज़ा है तो क्यों करते हो आप लोग? आइंदा नहीं होगा, होगी बस। चले, आप इनका चलान कर रही हैं? जी बिल्कुल, इनको 2000 का हम फाइन करेंगे और इनकी बाइक जो पुलिस स्टेशन में बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया।